तो अब रेस कोर्स जो है वो रेस कोर्स अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर का हो सकता है। रेस कोर्स जो है वो सर्कुलर भी हो सकता है और रेस कोर्स जो है वो एलिप्स की फॉर्म का भी हो सकता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर रेस कोर्स जो है वो एलिप्स की फॉर्म का है, एलिप्स की शेप का है। द मैन रनिंग अ रेस कोर्स नोट्स दैट द सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फ्लैग पोस्ट्स फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10 मीटर। सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फ्लैग पोस्ट्स फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10 मीटर। इसका मतलब क्या है कि जब भी कभी ये आ जाए कि दो फ्लैग पोस्ट हैं, तो दो फ्लैग पोस्ट किस में बन सकते हैं, कौन से फिगर में बन सकते हैं, कौन एक सेक्शन में। अब ये कहेंगे दो फ्लैग पोस्ट तो वहीं बनेंगे जहां पर दो फोकस होंगे, तो दो फोकस तो एलिप्स के केस में ही होते हैं। तो ये इस तरीके का रेस कोर्स का स्ट्रक्चर हो गया, ऐसा है। इधर एक्स, इधर एक्स डैश, वाई और वाई डैश, उसके बाद हम ये कहेंगे कि एक फोकस तो यहां पर होता है इसका और एक फोकस यहां पर होता है। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बताएंगे, ए कॉमा जीरो या ए ई कॉमा जीरो। ए ई कॉमा जीरो, ये भी ए ई कॉमा जीरो और माइनस ए ई कॉमा जीरो, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज मेरे को समझ में आ गई कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए ई है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए ई है। तो एक फ्लैग यहाँ पर लगा रखा है, एक फ्लैग तो उस यहाँ पर लगा रखा है। अब वो बोल रहे हैं कि जब भी कभी ऐसा होता है ना कि सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फ्लैग पोस्ट इज ऑलवेज 10 मीटर, यानी कि मान लीजिए कोई एथलीट है वो यहाँ पर दौड़ लगा रहा है, इस जगह पर है, इस पॉइंट पर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये हमेशा 2a के इक्वल होगा, 2a के इक्वल होगा। ऐसे मान लीजिए हमने कहा कि वो यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये हमेशा 2a के इक्वल होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये जो हमने ये टेबल बनवाई थी ना एलिप्स वाली, उस टेबल में भी कहीं पर नहीं था, तो आपको ये याद रखना है कि एट एवरी पॉइंट at every point on an ellipse the sum of the distances at every point on an ellipse the sum of the distances from the two the sum of the distances from the two foci the sum of the distances from the two foci is equal to 2a is equal to 2a। तो वो इन्होंने दे रखा है कि द सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10 मीटर। तो ये हो गया, देयरफॉर 2a इज इक्वल टू 10 मीटर, तो 2 5 10, तो a की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला है, ये बोल रहे हैं यहाँ पर एक चीज़ और इन्होंने बोली, डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर, यानी कि ये फ्लैग पोस्ट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए ही, ऐसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी ए ही, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2a, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज इक्वल टू 8 मीटर, तो फ्लैग पोस्ट के बीच का डिस्टेंस है 2ae, तो 2ae इज इक्वल टू 8, तो 2 1 2, 2 4 8, ठीक है। तो ae इज इक्वल टू 4 हो गया, ae इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि e इज इक्वल टू 4/a, यानी कि e इज इक्वल टू 4/5, तो इसेंट्रिसिटी e की वैल्यू आ गई 4/5।
अब जब हम एलिप्स की बात कर रहे हैं तो एलिप्स हमारी मर्जी है हम किस तरीके का एलिप्स माने, हमने इस तरीके का एलिप्स मान लिया, ठीक है, हमने इस तरीके का एलिप्स मान लिया। अब यहाँ से आप ये देखिएगा कि हमारे पास ए ई की वैल्यू 4 आ गई, ठीक, तो 4/5 आ गया यहाँ पर ए ई की वैल्यू। अच्छा, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E is equal to, भाई मैंने कौन सा एलिप्स माना है, मैंने हॉरिजॉन्टल एलिप्स माना ना, तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स मैंने माना तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, √1 - b² / a², ठीक, ये हो जाएगा √1 - b² / a², एसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी थी 4/5, √1 - b² / a कितना है 5 का स्क्वायर। हाँ जी, अगर इधर एलसीएम लेंगे तो 5² इधर आ जाएगा, 4/5 √5² - b² / 5² 4/5, तो यहां ऊपर आ गया 25 - b² का अंडर रूट, और नीचे 5² का अंडर रूट करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 से तो 5 कट गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, अंडर रूट 25 - b², तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 - b² - b² को इधर ले आओ तो प्लस का बी स्क्वायर, और ये हो गया 25 - 16, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 - 16 कितना हो गया 9, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 3, बी की वैल्यू 3 हो गई। अब जैसे बी की वैल्यू 3 आई हमारे पास, तो अब हमसे इन्होंने पूछा क्या था, इस क्वेश्चन में ये पूछा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट ट्रेस्ड बाय द मैन, तो आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन यानी कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स बतानी है, देयरफॉर ए आ गया बी आ गया, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स विल बी, x² + y² + b² = 1, ये एलिप्स की इक्वेशन होगी, क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बता दें, रेसी कौस्तव क्लियर है? यस सर। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो सर, जो पॉइंट है, जैसे कोई पॉइंट पी है जो मैंने इसी वाले एलिप्स पे मान लिया, उसे वाई एक्सिस पे मान लिया मैंने, तो सर जो पॉइंट पी से मैंने एक फोकस को और दूसरे फोकस को जॉइन करके दोनों को 5/5 मान लिया, तो भी तो सम नहीं आएगा, तो सर उससे बना सकते हैं इक्वेशन? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि वो दोनों चीजें इक्वल है या नहीं, बस एलिप्स की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि एलिप्स पर आप कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, तो यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस, इन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट आएगा, ये एलिप्स की प्रॉपर्टी होती है, और वो जो सम है वो हमेशा 2a के इक्वल होगा, समझ रहे हैं? यस सर। वो हमेशा 2a के इक्वल होगा। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स की बात कर रहा हूँ, अगर वर्टिकल एलिप्स की बात करते तो वही सम जो है वो 2b के इक्वल हो जाता, ठीक है, तो एलिप्स मानना वो हमारे हाथ में है, तो हमने इस तरीके से मान लिया कि ग्राउंड इस तरीके का है, रेस कोर्स इस तरीके का है, तो उसमें इक्वल नहीं मान सकते उसको, क्योंकि इक्वल जो डिस्टेंस है ना, वो इक्वल डिस्टेंस अगर आप मानोगे तो एलिप्स एलिप्स नहीं रहेगा, फिर वो सर्कल हो जाएगा, ठीक है, और फिर उसमें ये दो अलग अलग फोकस नहीं रहेंगे, सर्कल का फोकस भी एक होता है जिसको हम सेंटर बोल देते हैं, समझ गए? यस सर। ठीक है, चलिए जी, आगे चलता हूँ फिर मैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है मिसलेनियस का। An equilateral triangle is inscribed in the parabola y² = 4ax. So, question number 8 में हमको एक parabola दे रखा है। एक parabola दे रखा है y² = 4ax. तो y² = 4ax कौन सा parabola बनता है? Rightward parabola बनता है।
तो बना देंगे, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया। तो पैराबोला ऐसा बन गया। इस पैराबोला को मैंने बोल दिया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स। अब वो बोल रहे हैं an equilateral triangle is inscribed in the parabola y square is equal to 4ax where one vertex is at the vertex of the parabola। तो वो जो equilateral triangle है उसका एक vertex जो है वो parabola की vertex पर है, मतलब यहाँ पर है, तो parabola के अंदर उसको बनाना है। तो हमने उसको ऐसे बना लिया, one vertex is at the vertex of the parabola, find the length of the side of the triangle, find the length of the side of the triangle। आपको triangle की side की length बतानी है। तो हमने ये कहा ये O है, इस वाले point को बोल दीजिए B, इस वाले point को बोल दीजिए B। ओ ए बी ये हो गया हमारे पास। अब वो बोल रहे हैं कि आपको पैराबोला की वो सॉरी जो ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ बतानी है। तो इसकी साइड्स की लेंथ किस तरह से बताएंगे, ये जो है ये तो हो गया हमारे पास 0, 0, ठीक है। इसके अलावा ये वाली जो लेंथ है, इस वाली लेंथ को हम कुछ मान सकते हैं। इस वाली लेंथ को अगर मान लीजिए मैंने k मान लिया, k तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे यहां पर यहां से लेकर यहां तक वाला, मतलब ये यहाँ पर जब इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो पहले तो यहाँ से यहाँ तक वाला x वाला डिस्टेंस यानी कि k ले लेंगे, पहले तो k ले लिया, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली हाइट वो किस तरह से निकाली जाएगी वो देखते हैं अभी। मतलब यहाँ से यहाँ तक वाली हाइट को मैं कैसे निकालूंगा, हम ये कहेंगे कि और कुछ भी कंडीशन दी है, equilateral triangle is inscribed in the parabola y square is equal to 4ax where one vertex is at the vertex of the parabola, find the length of the side of the triangle, triangle की side की length बतानी है। अच्छा तो ठीक है, since point A lies क्या करना है, मुझे साइड की लेंथ निकालनी है, और साइड की लेंथ ना जैसे y square is equal to 4ax दे रखा है वो a के टर्म्स में आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 4y square is equal to 4ax a मेरे लिए अननोन नहीं है। क्वेश्चन में पैराबोला की जो इक्वेशन है वो y square is equal to 4ax दे रखी है, तो a के टर्म में आ सकता है आंसर। सिंस पॉइंट a लाइज ऑन द पैराबोला देयरफॉर y square is equal to 4a into y square is equal to 4a into x कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक k,
और ए के, तो यहां से वाई की वैल्यू आ जाएगी वाई इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ए के। तो ये हो गया और क्या करा जा सकता है, जैसे मान लीजिए ये तो y की वैल्यू 2 अंडर रूट ए के आ गई और इधर k तो ये रह गई और नीचे वाला हो गया माइनस 2 अंडर रूट ए के। माइनस 2 अंडर रूट ए के और या तो AB की लेंथ निकालें, AB की लेंथ निकालें और OA की लेंथ निकालें। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए। तो K और ये 4 चलो करके देखते हैं। फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ लिखूंगा, कोऑर्डिनेट समझ में आ गए AK और BK, ये बता दो बस। यस सर। बाकी कुछ चलता है? ए और बी के कोऑर्डिनेट समझ गए? बताओ। नहीं भाई, हम ये कह रहे हैं कि हमने ना यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला डिस्टेंस, जिस पॉइंट से होकर ये वाली स्ट्रेट लाइन गुजर रही है, मैंने उस डिस्टेंस को के मान लिया। तो हमने ये कहा कि अगर मैं इस पॉइंट ए की बात करूँ ना, तो पॉइंट ए को अगर मैं परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप करूँगा तो वो ये वाला डिस्टेंस आ रहा है के। तो यानी कि ए का जब कोऑर्डिनेट मैं निकालूंगा तो मैं ये देखूंगा कि एक्स एक्सिस से यहाँ ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ कितना डिस्टेंस आ रहा है, तो वो के हो गया। और ये वाला डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, तो ये मेरे पास मैंने निकाल लिया। मैंने कहा कि ये क्योंकि ये वाला पॉइंट ये पैराबोला पर लाई कर रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट की एक्स की जगह तो के डाल दिया, तो वाई की वैल्यू निकाली इसमें इक्वेशन में डालकर, तो वाई इज इक्वल टू आ गया 2 अंडर रूट ए के। तो अगर मैं ये देखूंगा ना कि नीचे की तरफ कितनी आएगी वो वैल्यू, अगर ऊपर 2 अंडर रूट ए के आ रही है तो नीचे माइनस 2 अंडर रूट ए के आएगी। लेंथ ऊपर नीचे दोनों बराबर होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है इस वजह से। तो अब हम ये कहेंगे कि फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल OA मस्ट बी इक्वल टू OB। For an equilateral triangle, OA must be equal to OB. OA जो है वो OB के equal होना चाहिए। OA must be equal to OB. अब जब OA की बात करेंगे तो OA is equal to OB, तो OA कैसे निकलेगा? X2 minus X1 का whole square, तो K minus 0 का whole square plus Y2 minus Y1 का whole square, तो 2 under root AK minus 0 का whole square, 2 under root AK minus 0 का whole square, इसका square root is equal to OB। OB गलत लिख दिया मैंने, AB लिखना चाहिए था, AB है तो वो भी ठीक, लेकिन उससे मेरा बात बनेगी नहीं। तो ए बी वाले क्योंकि कोऑर्डिनेट्स मेरे को अलग लग रहे हैं तो वो करके देखता हूँ जरा। तो इसमें x2 minus x1 मतलब k minus k का होल स्क्वायर, k minus k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2 रूट ए के माइनस माइनस 2 रूट ए के होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये जो स्क्वायर रूट है, ये जो स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बचेगा के स्क्वायर प्लस इधर बचेगा केवल 2 रूट ए के,
तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4ak, ठीक है ना भाई। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और अंडर रूट ak का स्क्वायर करेंगे तो वो ak हो जाएगा, तो k स्क्वायर प्लस 4ak हो गया। इस तरफ देख रहे हैं तो k माइनस k यानी कि 0 हो गया, स्क्वायर रूट हट गया क्योंकि मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, तो ये हो गया 0 प्लस 2√ak माइनस 2√ak, 2√ak माइनस 2√ak मतलब 4√ak हो गया, और 4√ak का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और ak कितना हो गया, ये अंडर रूट ak का स्क्वायर हो गया ak। ये समझ में आ गया ठीक। अब क्या करेंगे, अब इधर k स्क्वायर प्लस 4ak माइनस 16ak इज इक्वल टू 0, ये हो गया, यहाँ पर आ गया k स्क्वायर, और 4 माइनस 16 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो माइनस 12ak इज इक्वल टू 0। इधर से k ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा k माइनस 12a इज इक्वल टू 0, k माइनस 12a इज इक्वल टू 0, तो आइदर k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 12a इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 0 तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। k इज इक्वल टू 0 अगर हो गया तो इसका मतलब ट्राइंगल ही नहीं बन पाएगा, ये लेंथ कुछ तो होनी चाहिए तभी तो ट्राइंगल बनेगा, तो k इज इक्वल टू 0 तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन k इज इक्वल टू 12a ये पॉसिबल हो जाएगा, k की वैल्यू 12a के बराबर आ जाएगी, तो ये चीज पॉसिबल हो जाएगी। अब हमने ये कहा कि उन्होंने हमसे ये कहा था कि भाई आपको इसकी जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसकी ना साइड बतानी है, तो हम साइड कैसे निकालेंगे, हम चाहे OA की वैल्यू निकालने, चाहे AB की वैल्यू निकालने, चाहे OB की, वो आपकी साइड आ जाएगी। देयरफॉर देयरफॉर साइड ऑफ therefore side of equilateral triangle is equal to OA, तो side of equilateral triangle आपने OA को मान लिया, तो ये under root k minus 0 का whole square मतलब k square plus 2√ak का whole square, तो 2 का square 4 और root ak का square ak, तो k square plus 4ak है ना, और इसका under root, ये हो गई a side of equilateral triangle। अब k स्क्वायर प्लस अंडर रूट k स्क्वायर प्लस 4ak ये वैल्यू आ गई, अब क्या करेंगे, ये हो गया अंडर रूट, अब k की वैल्यू कितनी आई है 12, तो यहाँ लिखो 12 a का स्क्वायर, और ये हो गया 4ak का स्क्वायर, तो 4ak का स्क्वायर नहीं 4ak, और k कितना है 12a, यहाँ पर भी लिख दो 12a, ये हो गया 144a स्क्वायर, और ये 12 4 था 48, तो 48 a स्क्वायर इसका अंडर रूट, तो 4 प्लस 8 हो गया 12, 1 कैरी आ गया, 14 प्लस 4 18 और 1 192 a स्क्वायर। अब क्या करना है, 192 जो है 192 के प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो नजर नहीं आता, ये तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 19 माइनस 18 इज 1, और 2 6 जा 12, 96 हो गया, 8√3 आ रहा है पक्का, मुझे तो नहीं लगता, देखो जरा two twelve is 24 और two six is 12, two
these are 6, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, or 3, 4. So you have 2 key power 6 into 3 into a square. अभी 2 की पावर 6 बाहर आकर हो जाएगा 2 की पावर 3 और a स्क्वायर बाहर आकर हो जाएगा a और इधर बचेगा केवल रूट 3 तो 8 a रूट 3 देखना ये कुछ आंसर है ना। चलिए जी ठीक है तो यहाँ तक फिर हमारा ये कॉनिक सेक्शन कंप्लीट हो गया। कॉनिक सेक्शन में बस इतना ध्यान रखना कोई भी एग्जांपल और एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन मिसलेनियस का तो छोड़ मत देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बताइए भाई क्या करवाएं फिर कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है सर स्ट्रेट लाइन।